गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए थे, जो कि डीसी में यूज होते हैं केवल। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज एसी में और डीसी में दोनों में हो सकता है, याद रखिएगा। दे आर यूज फॉर एसी एंड डीसी, बोथ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम मूविंग आयरन को। हमने बताया था कि अमीटर वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं मूविंग कॉइल टाइप के, मूविंग आयरन टाइप के। अमीटर और वोल्ट मीटर और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप, हार्ड वायर टाइप, थर्मोकपल टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर अमीटर भी होते हैं, और रेक्टिफायर टाइप भी होते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स, बट मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रचलित हैं। इसीलिए मूविंग कॉइल का डिस्कशन हम कर चुके हैं, जो कि डीसी में यूज होता है। आज मूविंग आयरन टाइप का डिस्कशन करेंगे, जो कि एसी डीसी दोनों में होता है। ये देखिए ऐसे दिखते हैं। वोल्ट मीटर भी बनाए जाते हैं और अमीटर भी बनाए जाते हैं, ए फॉर अमीटर, बी फॉर वोल्ट मीटर। इनकी भी पहचान ये है, पहली पहचान ये है कि यहाँ पे कोई पोलारिटी नहीं लिखी रहती है, प्लस माइनस नहीं रहती है, ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता है इनके टर्मिनल पे, जहाँ हम कनेक्शन करते हैं, देर इज नो प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये पहली पहचान है कि दे आर नॉट पोलारिटी सेंसिटिव, इसलिए आपको इनके कोई भी सिरे पे सप्लाई जोड़ देंगे वो सीधा ही रहेगा। बस शर्त यह है कि दोनों सिरे जोड़ने पड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ जोड़ना पड़ेगा। दोनों सिरों को जोड़ दीजिए, कोई भी सिरा पहले जोड़ दीजिए, वो काम करेगा। दे आर नॉट पोलारिटी सेंसिटिव। दूसरे अब देखिए इसकी पहचान है, इसका स्केल देखिए पहचान है। स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर होता है। नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर स्केल वह होता है जिसमें खाने बराबर बराबर दूरी पर पूरे भाग में नहीं होते हैं। पहले खाने पास पास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पहले देखिए खाने बहुत पास पास हैं और बाद में खाने दूर होते चले जा रहे हैं, देखिए। तो ऐसे स्केल को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ये इसको नॉन लीनियर स्केल भी कह सकते हैं। ये पहचान है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये स्केल थोड़ा सा हम पसंद कम करते हैं, कारण यह है कि इस स्केल को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको रीड करना, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल को। सिंबल देख लीजिए, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये है सिंबल, देखिए यहाँ पर बना हुआ है इस तरह का, ये सिंबल है, ये बता रहा है कि ये एमआई टाइप है। ये भी एक पहचान है कि सिंबल जो बना रहता है इस पे, वो भी एक पहचान है। जैसे देखिए ये सिंबल देखिए बना है, ये सिंबल है या माई टाइप का। यहाँ पे देखिए ये सिंबल बना हुआ है ऐसा, ये या माई टाइप का सिंबल है। तो ये भी एक पहचान है या माई टाइप के इंस्ट्रूमेंट की, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ये दो प्रकार के होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अट्रैक्शन टाइप, दूसरे होते हैं रिपल्सन टाइप। ये अट्रैक्शन टाइप भी हो सकते हैं, रिपल्सन टाइप भी हो सकते हैं, दोनों एमआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले डिस्कस करेंगे अट्रैक्शन टाइप। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या होते हैं, इनके बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे रिपल्सन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसका देखिए कंस्ट्रक्शन ये है, कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्शन है, संरचना इसका कंस्ट्रक्शन मूविंग कॉइल की तुलना में सिंपल होता है, ये भी याद रखिएगा। दिस इंस्ट्रूमेंट इज इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सिंपलर रिलेटिवली कंपेयर टू मूविंग कॉइल टाइप। इसमें क्या होता है मुख्यतः, एक इसमें हालो इस तरह से खोखली, इस बॉबिन जैसे आकार की एक वो होती है, बॉबिन होती है, इसके ऊपर हम कॉपर की कॉइल लपेटते हैं। देखिए ये क्या है, ये बॉबिन है, दिस इज बॉबिन, दिस इज बॉबिन, ये बॉबिन है जो खोखली होती है अंदर से, ये अंदर भाग देखिए खोखला है, दिस इज हालो, आर पार है, बेलनाकार होता है लेकिन ये खोखला होता है अंदर से, ये दिस इज हालो, ये खोखला है अंदर।
तो इसी के ऊपर हम कॉपर की इंसुलेटेड वायर लपेट देते हैं, इंसुलेटेड तार लपेट देते हैं कॉपर के इंसुलेटेड वायर। और ये तार मोटा होगा या पतला होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मीटर है कि वोल्ट मीटर है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की तरह वोल्ट मीटर भी बनाया जा सकता है और अमीटर भी बनाया जा सकता है। तो जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो इसको संट में लगाएंगे सर्किट में, तो इसलिए इसका तार जो है पतला रहेगा, थिन, और फेरे जो हैं ज़्यादा लपेटेंगे, मोर टर्न्स, और कभी कभी इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं जिससे कि इसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाए, तो इसका रेजिस्टेंस अधिक करेंगे। और इसी को जब हम वोल्ट मीटर की तरह की जगह मीटर की तरह यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मोटा तार यूज़ करेंगे, थिन वायर, और फेरे कम लपेटेंगे, लेस टर्न्स, कम फेरे भी लपेटेंगे, मोटा तार भी यूज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम रखेंगे। तो ये बनाएंगे इस तरह से, देखिए ये पीले कलर का जो दिख रहा है क्या है, ये कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स हैं, इंसुलेटेड वायर, कॉपर के इंसुलेटेड तार होते हैं जिसको हम कॉपर कॉइल बोलते हैं, कॉपर की वाइंडिंग बोलते हैं, ये लपेट दिया जाता है इसी के ऊपर, बॉबिन के ऊपर, खोखले बॉबिन के ऊपर। ये जो कॉइल है ये देखिए सर्कल जो दिख रहे हैं ये सर्कल वृत्त, ये क्या है, कॉपर की कॉइल है, लपेटी गई है, खोखली होती है, ये स्टैटिक होता है, दिस पार्ट इज स्टैटिक, ये गति नहीं करता है, ये स्टैटिक होता है। और जिस वोल्टेज को या जिस करंट को हम नापते हैं उसको अप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई यहीं आती है, इस वोल्ट मीटर में या इस मीटर में हम सप्लाई देते हैं तो कहाँ जाती है वो सप्लाई, वो सप्लाई इसी में आती है, इसी में करंट जाती है, वोल्टेज लगाएंगे तो भी और करंट लगाएंगे तो भी इसी में करंट बहेगी, इसी में करंट बहेगी ऐसे। और ये तार आपस में कॉपर की कॉइल है, इसको फिक्स्ड कॉइल कह सकते हैं क्योंकि ये मूव नहीं करती है, इसी में करंट बहती है, वोल्टेज लगाएंगे तो भी और करंट लगाएंगे तो भी, अमीटर की तरह यूज करेंगे तब भी इसमें करंट बहेगी, वोल्ट मीटर की तरह यूज करेंगे तब भी इसमें करंट बहेगी। तो यहाँ करंट बहेगी तो क्या होगा, करंट बहती है किसी कॉइल में तो आप जानते हैं MMF पैदा होता है, MMF से क्या पैदा होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है, MMF अपान लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या करता है, मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करता है और उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके एक यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पोल पैदा हो जाएंगे इसके सिरे पे, ऐसे लाइनें ऐसे हो जाएंगी, पोल पैदा होगा, यहाँ पे पोल पैदा हो जाएगा ऐसे, और दिशा क्या होगी ये हेलिक्स रूल लगा के निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे करंट बहेगी अगर कॉइल में तो इस सिरे पे आप हेलिक्स रूल लगाइए, नॉर्थ बनेगा, इस सिरे पे साउथ, तो यहाँ पोल बन जाएंगे, एक सिरे पे नॉर्थ बन जाएगा और एक सिरे पे साउथ। तो ये स्थिर भाग है, ये मूव नहीं करता है। इसी के बगल में देखिए ये रखा हुआ है स्पिंडल, स्पिंडल नीचे पिवोटेड होता है, ऊपर भी पिवोटेड होता है, ये है स्पिंडल, देखिए जा रहा है स्पिंडल, स्पिंडल के साथ में ये जुड़ा हुआ है, देखिए ये स्केल है, स्केल, और स्पिंडल के साथ में जुड़ा रहता है पॉइंटर, ये आप जानते हैं ये पॉइंटर जुड़ा है स्पिंडल के साथ में, क्यों जुड़ा है, स्पिंडल मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा और वो स्केल के ऊपर मूव करेगा, पॉइंटर कहाँ मूव करेगा, इस स्केल के ऊपर, तो वैल्यू रीड करेंगे आप स्केल के ऊपर, वैल्यूज जो भी होंगी वो रीड करेंगे आप, तो ये पॉइंटर उसी से जुड़ा हुआ है। स्पिंडल क्या होता है, एल्युमिनियम की रॉड होती है जो कि पूरा वेट उसी पे, मूविंग सिस्टम उसी पे चलता है, ऊपर और नीचे पिवोट होता है, पिवोट क्या होता है, जेवल्ड बेयरिंग होती है जिससे फ्रिक्शन कम होता है मूविंग सिस्टम का। तो ये भाग स्थिर है, ये भाग स्थिर है, लेकिन ये भाग स्थिर नहीं है, स्पिंडल घूमता है, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्पिंडल होता है वो घूमता है, उसी पे मूविंग सिस्टम उसी पे होता है। तो पॉइंटर आपको समझ में आ गया, स्केल भी स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है, पॉइंटर मूव करता है इसी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए दो वेट लगाए गए हैं, ये भी मूव करेंगे, कंट्रोल वेट यहाँ लगाया है स्पिंडल के साथ में जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। बैलेंस वेट क्यों लगाते हैं, पॉइंटर के वेट को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल वेट क्यों लगाया है, यहाँ कंट्रोलिंग टार्क देंगे इसी से,
कंट्रोलिंग टार्क, हालांकि ज़्यादातर ये वेट कंट्रोल नहीं लगाते हैं, कंट्रोल वेट नहीं लगाते हैं, कंट्रोल वेट को प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि इसको लगाने से इसको ऊर्ध्वाधर रखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि कंट्रोल वेट तभी काम करता है, कंट्रोलिंग टार्क तभी देता है जब ये ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल रहेगा तो पोर्टेबल नहीं हो पाएगा, इसको पैनल में फिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादातर ये कंट्रोल वेट नहीं रखते हैं। ज़्यादातर हम इसमें स्प्रिंग लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड रहता है, तो क्या फ़ायदा रहता है कि कंट्रोलिंग टार्क जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और इंस्ट्रूमेंट को आप किसी पोजिशन में रख सकते हैं, वो वर्क करता है, तो पोर्टेबल होता है इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल होता है, पैनल में भी लगा सकते हैं और इधर उधर आप उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रख भी सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोल वेट देख रहे हैं, हो सकता है ये भी, लेकिन ज़्यादातर स्प्रिंग रहता है, कंट्रोल वेट नहीं रहता है, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड को हम प्रेफर करते हैं। तो स्पिंडल है, ये गया नीचे, ऊपर नीचे सपोर्टेड होगा, स्पिंडल के साथ में देखिए ये रॉड जा रही है, ये स्पिंडल के साथ एक रॉड लगी रहती है एल्युमिनियम की, और जो एक एयर चैम्बर के अंदर, एयर चैम्बर होता है यहाँ पे, एयर चैम्बर, ये एयर चैम्बर है, दिस इज एयर चैम्बर। जब हम बता रहे थे डैम्पिंग टार्क के लिए, तो बता रहे थे एक डैम्पिंग होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो यहाँ पे डैम्पिंग की व्यवस्था की गई है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की व्यवस्था की गई है। कैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मिलेगी, ये रॉड इसमें आगे पीछे मूव करेगा, पिस्टन इसी में आगे पीछे मूव करेगा, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर स्थिर रहेगा, इसमें जब ये आगे पीछे मूव करेगा तो एयर में फ्रिक्शन होगा, और जो पॉइंटर ऑसिलेट करेगा जाके तो वो ऑसिलेशन नहीं होगा, डैम्पिंग मिलेगी। तो डैम्पिंग के लिए दी गई है यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की व्यवस्था की गई है। एल्युमिनियम का एक पिस्टन होता है जो कि स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है, और ये पिस्टन इसी एयर चैम्बर में खोखला होता है, इसी में आगे पीछे मूव करता है और एयर में फ्रिक्शन होता है, इससे डैम्पिंग मिलती है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की व्यवस्था की गई है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है। यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है एक सॉफ्ट आयरन लगा रहता है, देखिए ओवल शेप का, एग के आकार का होता है अंडे जैसा, लेकिन ये फ्लैट होता है, अंडे की तरह सॉलिड नहीं होता है, चपटा सा होता है, फ्लैट ये, लेकिन आकार वही होता है लेकिन फ्लैट होता है। ये स्पिंडल के साथ ऐसे रहता है, देखिए ये इसकी बात हो रही है, ये आयरन का पीस होता है ओवल शेप का, फ्लैट होता है, और ये इस प्रकार से स्पिंडल के साथ में फिक्स रहता है, और ये इसकी पोजीशन इस प्रकार रहती है कि इस क्वाइल के अंदर बाहर हो सके, ये इसके अंदर भी जाएगा, टार्क लगेगा तो ये अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर आएगा, अंदर बाहर हो सके ये इसी के साथ। तो ये मूव करता है, ये मूव जो करता है, ये क्या मूव करता है, ये आयरन होता है, आयरन, आयरन का टुकड़ा होता है, चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, स्टील का भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आयरन का लगाते हैं, क्योंकि आयरन चीप होता है, आयरन सस्ता होता है। तो आयरन मूव करता है, इसीलिए नाम है इसका MI, मूविंग आयरन, आयरन मूव करता है। और इसमें आयरन मूव क्यों करता है, एक आकर्षण का बल लगता है इसके ऊपर अंदर की तरफ, इस पे एक अंदर की तरफ आकर्षण का बल लगता है, तो अट्रैक्शन होता है, देयर इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण ये मूव करता है, फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, इसकी वजह से मूव करता है, इसीलिए नाम इसका है अट्रैक्शन टाइप। तो ये आयरन का पीस है, ये अट्रैक्ट होता है, तो आयरन का पीस अट्रैक्ट होता है, ये भाग देखिए, ये भाग इस पे फोर्स लगता है इस इधर की तरफ, तो ये अट्रैक्ट होता है इधर। तो ये स्पिंडल है, स्पिंडल के सापेक्ष अगर इसकी दूरी डी है तो टार्क डेवलप हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इंटू डी, और ये टार्क क्या करेगा, इस आयरन पीस को इधर की तरफ घुमाएगा, तो पूरा जो स्पिंडल है वो इस दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्पिंडल घूमेगा, तो ये पॉइंटर भी दिशा में घूमेगा, इसी से मिलेगा इसको डिफ्लेक्टिंग टार्क, और इसी टार्क की वजह से आगे जाएगा। जब आयरन पीस अट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ इधर, तो ये इसके सापेक्ष में इसकी दूरी अगर डी है, इस पे फोर्स एफ है, तो टार्क लगेगा या फिर टू डी, इस टार्क की वजह से ये आयरन पीस इधर जाएगा, तो स्पिंडल जो है इधर की डायरेक्शन में अपनी अक्ष पे घूमेगा, अपनी एक्सिस पे, तो ये पॉइंटर जो है इसी स्पिंडल के साथ में इस दिशा में जाएगा, तो इससे होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलेगा और ये पॉइंटर आगे जाएगा। पॉइंटर कितना दूर आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे वेट कंट्रोल है या स्प्रिंग कंट्रोल है, तो उससे कंट्रोलिंग टार्क मिलेगा, और कंट्रोलिंग टार्क बढ़ता जाएगा, और जिस जगह पर दोनों टार्क बराबर हो जाएंगे,
वहीं पे ये पॉइंटर रुक जाएगा, और नहीं रुकेगा तो उसमें डैम्पिंग होगी, आगे पीछे मूव करेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन इसी एयर चैम्बर में आगे पीछे जब मूव करेगा तो एयर में फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन की वजह से पॉइंटर जल्दी से रुक जाएगा जहाँ पे दोनों टार्क बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये है इसका संरचना, इसके यही सब पार्ट्स हैं। इसको और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम किस कॉइल की बात कर रहे थे, ये कॉइल जो है बॉबिन शेप की होती है, बॉबिन के ऊपर ये कॉइल होती है हालो खोखली, देखिए खोखली है कॉइल, इसी में हम वो वोल्टेज लगाते हैं या करंट लगाते हैं जिसको हम नापते हैं, यहीं जाता है वो जो करंट या वोल्टेज हम वोल्ट मीटर में या मीटर में इसमें जब अप्लाई करते हैं, यहाँ जब हम सप्लाई को जोड़ करके सप्लाई को ऑन करते हैं, इसमें प्लस माइनस जोड़ेंगे करंट जाएगी तो वो कहाँ जाएगी करंट, वो करंट जाएगी इसी क्वाइल में, इस क्वाइल में करंट जाएगी। ये कापर की इंसुलेटेड क्वाइल है, इसके एक सिरे पे नॉर्थ बन जाएगा, दूसरे सिरे पे साउथ, तो इधर नॉर्थ बन जाएगा इधर साउथ बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्पिंडल पे आयरन पीस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बल पैदा होगा, टार्क डेवलप होगा और ये इधर जाएगा, ये इसका। और ये डैम्पिंग के लिए व्यवस्था की गई है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कंट्रोल वेट लगाया गया है कंट्रोलिंग टार्क के लिए, हालांकि स्प्रिंग भी लगा सकते हैं। ये आयरन पीस मूव करता है इसीलिए इसका नाम मूविंग आयरन है, ये अट्रैक्ट होता है इसीलिए अट्रैक्शन टाइप कहलाता है, आकर्षित होता है, यहाँ आकर्षण होता है इसमें इसी वजह से। तो अगर करंट की डायरेक्शन हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, साउथ की जगह यहाँ नॉर्थ, नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा इधर, और उधर हो जाएगा नॉर्थ, लेकिन ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ होगा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आयरन पीस को अट्रैक्ट ही करेगा, इसीलिए ये सप्लाई प्लस माइनस जोड़ें या माइनस प्लस जोड़ें, इसमें हमेशा अट्रैक्शन का ही बल लगता है, इसीलिए टार्क हमेशा इसमें डेवलप होता है, इसीलिए एसी डीसी दोनों पे काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए और अच्छे से, ये क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर चैम्बर में ये पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा तो डैम्पिंग मिलेगी, ये स्केल है, ये आप जानते हैं स्केल, पॉइंटर ये है, पॉइंटर इसी स्केल पे मूव करेगा, ये क्या है फिक्स्ड क्वाइल, इसको कहते हैं फिक्स्ड क्वाइल, इसी में हम वोल्टेज या करंट अप्लाई करते हैं जिसको हम मीजर कर रहे होते हैं, इसी क्वाइल में करंट बहती है। ये क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगा है, इसमें कंट्रोल वेट लगा है कंट्रोलिंग टार्क देने के लिए, बैलेंस वेट लगा है, यहाँ पे ये आयरन पीस देखिए, आयरन का टुकड़ा है, फ्लैट होता है एक जैसा अंडे के आकार का होता है, बट पतला सा होता है फ्लैट, यही अट्रैक्ट होता है अंदर इसमें, इसी की वजह से फोर्स लगता है, इसी की वजह से टार्क लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप। तो कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग समझा रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन टाइप, जो वोल्टेज या करंट को नापते हैं तो ये सप्लाई देते हैं, इसमें करंट जाएगी ऐसे, करंट की दिशा मान लीजिए अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ है, ये देखिए करंट इसमें क्रॉस, इधर डॉट, तो इसका मतलब इधर नॉर्थ बन जाएगा इधर साउथ, इस सिरे पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और पीछे वाले सिरे पे साउथ पोल बन जाएगा। सप्लाई देंगे कहाँ, इस अमीटर में, यहाँ धन देंगे यहाँ ऋण देंगे, तो इसमें बन जाएगा इधर नॉर्थ उधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा, तो क्या होगा आगे, उधर नॉर्थ बन गया है इधर साउथ बन गया है, हमने वोल्टेज दिया कहाँ, इसी क्वाइल में दिया है वोल्टेज या करंट दिया है, अभी करंट दिया है प्लस माइनस, तो ये करंट गई इसमें फ्लो की, करंट, करंट की ये डायरेक्शन है, अब यहाँ साउथ बनेगा तो ये क्या करेगा, चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, चुंबकीय पदार्थ बगल में रखा हुआ है स्पिंडल के ऊपर फिक्स करके, क्या रखा है आयरन, ये आयरन क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है, तो ये क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा अट्रैक्ट करेगा, ये जो क्वाइल में साउथ पोल बना हुआ है वो क्या करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से इसके बीच में दूरी अगर डी है तो फोर्स जो है पैदा हुआ या फॉर दूरी डी है तो टार्क डेवलप हो जाएगा, यही हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये कितना हो जाएगा एफ इनटू डी, डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ये आगे जाएगा तो क्या होगा, ये बैलेंस वेट इधर जाएगा ऊपर तो डब्लू साइन थीटा, डब्लू इंटू एल साइन थीटा, कंट्रोलिंग टार्क डेवलप होगा कितना, ये आपको हमने बताया था डब्लू इंटू एल साइन थीटा, इतना कंट्रोलिंग टार्क डेवलप हो जाएगा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन,
ये डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करेगा, पॉइंटर को इधर ले जाएगा। कंट्रोलिंग टार्क क्या करेगा, इसको इधर से साइड में काम करेगा। जब तक डिफ्लेक्टिंग टार्क ज्यादा रहेगा कंट्रोलिंग टार्क से, पॉइंटर आगे जाएगा इधर की तरफ। एक समय आएगा जब दोनों पे, जहां पे दोनों टार्क बराबर हो जाएंगे, मान लीजिए इस जगह पे दोनों टार्क बराबर हो जाएंगे, वहीं पे पॉइंटर रुक जाएगा। और अगर उसमें पॉइंटर में डैम्पिंग होगी, मूविंग सिस्टम में इनर्सिया है उसके कारण डैम्पिंग होगी, तो ये एयर एयर चैम्बर में ये पिस्टन जो है आगे पीछे मूव करेगा। आगे पीछे जब मूव करेगा तो इसके अंदर होगा फ्रिक्शन, उससे मिलेगी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पे ईडी करंट डैम्पिंग नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ईडी करंट डैम्पिंग क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, और वो फील्ड इसके फील्ड को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसका फील्ड जो है कमजोर होता है, वीक है। परमानेंट मैग्नेट की तुलना में इसका फील्ड वीक क्यों है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तुलना में इसका फील्ड जो है वीक होता है, मूविंग आयरन का वीक क्यों होता है, क्योंकि ये फील्ड जो बना है हवा में बना है, एयर में। हमने यहाँ कोई कोर नहीं लगाई है, कोई कोर है नहीं है, एयर में बन रहा है फील्ड, तो एयर में फील्ड जो बनता है वो कमजोर होता है, हल्का होता है, तो इसलिए ये फील्ड जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, मूविंग कॉइल की तुलना में कमजोर है, इसलिए ये फील्ड इजीली प्रभावित हो जाता है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से। इसलिए यहाँ ईडी करंट डैम्पिंग नहीं लगाते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो वहीं पे बैलेंस हो जाएगा, वहीं पॉइंटर रुक जाएगा, डैम्पिंग जो भी होगी ये खत्म कर देगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये है इसका वर्किंग। अगर हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो क्या होगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मान लीजिए धन ऋण की जगह पे ऋण धन जोड़ दें, अगर ऋण इधर धन, प्लस माइनस जोड़ दें, उल्टा जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें जो करंट होगी वो हो जाएगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बहेगी करंट इस तार में। आप हेलिक्स रूल लगाइए, तो हेलिक्स रूल लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ बनेगा नॉर्थ, यहाँ बनेगा साउथ, पोल चेंज हो जाएंगे। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, उल्टा कर देंगे करंट, माइनस प्लस कर देंगे, तो ये पोल जो है माइनस प्लस, ये पोल जो है चेंज हो जाएंगे, इधर साउथ हो जाएगा उधर नॉर्थ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में चेंज हो जाएगी। यहाँ साउथ की जगह पे बन जाएगा नॉर्थ, और यहाँ नॉर्थ की जगह पे बन जाएगा, नॉर्थ की जगह पे यहाँ बन जाएगा साउथ, और यहाँ क्रॉस की जगह पे हो जाएंगे सब डॉट, यहाँ डॉट हो जाएंगे, और यहाँ डॉट की जगह पे हो जाएंगे सब क्रॉस। तो क्या फर्क पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग में, देखिए इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा चाहे साउथ पोल बनेगा, वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा हमेशा, इसीलिए इसमें प्लस माइनस या माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्ट्रूमेंट में, ये अट्रैक्ट करेगा। तो टार्क की दिशा देखिए, टार्क उतना ही लगेगा, टार्क की दिशा भी वही रहेगी, इधर को क्लॉकवाइज, स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमेगा, पॉइंटर इस दिशा में जाएगा, ये पॉइंटर जाएगा हमेशा इसी दिशा में, डिफ्लेक्टिंग टार्क की दिशा सेम रहती है, चाहे प्लस जोड़िए चाहे माइनस जोड़िए, चाहे डीसी दीजिए चाहे एसी दीजिए, यही वजह है कि आप इसमें डीसी की जगह पर एसी देंगे तो भी टार्क की दिशा सेम रहेगी, हमेशा इधर को ही टार्क लगेगा, जबकि मूविंग कॉइल में टार्क उल्टा हो जाता है करंट की दिशा चेंज होने से। यहाँ उल्टा इसलिए नहीं होता है कि फील्ड जो है चेंज होता है भले ही, लेकिन उस अट्रैक्ट करता है आयरन को। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। अब इसमें टार्क कितना डेवलप होता है, फोर्स कितना डेवलप होता है, ये निकाल देखिए कैसे टार्क डेवलप होता है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है, ये स्पिंडल है, आयरन पी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इसकी दूरी यहाँ से डी है, तो टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क कितना लगेगा, एफ इंटू डी, और इसकी वजह से ये इधर को जाएगा, इधर इसी के साथ पॉइंटर जुड़ा होगा, वो स्केल पे उधर जाएगा, इधर डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से उधर जाएगा, ये अट्रैक्ट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता तो कंट्रोलिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता, थीटा के। यहाँ पे वेट कंट्रोल मेथड है तो कंट्रोलिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। ये फर्क पड़ेगा, अगर वेट कंट्रोल है, कंट्रोल वेट लगाया है तो कंट्रोलिंग टार्क साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, स्प्रिंग कंट्रोल लगाया है तो
थीटा के, ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं इसलिए कि इसमें पोर्टेबल होता है इंस्ट्रूमेंट, चाहे हम उल्टा सीधा कैसे भी रख सकते हैं। ये थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको वर्टिकल रखना पड़ेगा तभी ये कंट्रोलिंग टायर काम करेगा, तो इस वजह से इसको जनरली प्रेफर नहीं करते हैं ये वाला कंट्रोलिंग टायर की, ये वेट वाला। इसकी जगह पे हम यहाँ स्प्रिंग लगाते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग दो, एक नीचे एक ऊपर। तो देखिए कितना टार्क लगेगा उसकी बात करने जा रहे हैं, इस पे जो फोर्स लगेगा कितना, मान लीजिए फोर्स इस पे लगता है EF, तो EF का मान कितना होगा, वो होगा M1 M2 के समानुपाती होगा। EF इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। ये M1 M2 क्या है, इसमें जो क्वाइल में करंट बह रही है तो क्या होगा, MMF प्रोड्यूस होगा, MMF होगा, पैदा होगा क्वाइल में कितना, NI। MMF से मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा कितना, NI अपान L। इससे पोल स्ट्रेंथ पैदा होता है M, पोल स्ट्रेंथ M1 पैदा होगा कहाँ पे, क्वाइल में। यहाँ पे M1 पैदा हुआ तो M1 जो है पोल स्ट्रेंथ वो किसके समानुपाती होगा, H के। H मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसके समानुपाती है देख लीजिए, करंट के। यह चीज प्रोपोर्शनल टू आई, अगर एसी है तो स्मॉल आई, अगर डीसी है तो कैपिटल आई, तो यह प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो M1 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है जो क्वाइल में बनेगा यहाँ पे। M2 क्या है, जो इस आयरन पीस पे बनेगा, आयरन पीस पे जो पोल स्ट्रेंथ बनेगा M2, तो फोर्स जो डेवलप होगा ये दोनों के पोलों के स्ट्रेंथ के गुणनफल के होगा, M1 M2 के समानुपाती होगा। और अभी हम बता चुके हैं कि M1 किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। तो M1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। इसी प्रकार से M2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है आई के। तो M2 भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जो होगा आई स्क्वायर के होगा। इंस्टेंटेनियस फोर्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंस्टेंटेनियस करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो ये फोर्स अगर समानुपाती है इसके, तो टार्क जो डेवलप होगा वो भी समानुपाती होगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस यही होता है टार्क, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा या फिर स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस टार्क है, लेकिन इंस्टेंटेनियस टार्क के लिए ये इंस्टेंटेनियस टार्क किसके समानुपाती होगा, TD इंस्टेंटेनियस वो समानुपाती होगा आई स्क्वायर के, इंस्टेंटेनियस करंट के वर्ग के समानुपाती होगा। लेकिन ये रिस्पांस देगा इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं, एवरेज के लिए रिस्पांस देगा, एवरेज टार्क के लिए। तो इसका एवरेज निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अगर डीसी है तो आई डीसी स्क्वायर के, और अगर एसी है तो ये प्रोपोर्शनल होगा आई आरएमएस स्क्वायर के। और अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो कंट्रोलिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन हमने बताया था कि पॉइंटर कहाँ रुकेगा जाके, जहाँ पे दोनों बराबर होंगे डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये पॉइंटर कहाँ तक जाएगा, जहाँ डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क बराबर हो जाएंगे। जब तक कंट्रोलिंग टार्क कम रहेगा ये पॉइंटर आगे जाएगा, ये जब पॉइंटर आगे जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण जाएगा और कंट्रोलिंग टार्क उल्टा काम करेगा। जब तक कंट्रोलिंग टार्क कम रहेगा ये आगे जाएगा, जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेगा कंट्रोलिंग टार्क बढ़ता जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएगा। तो ये कब रुकेगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, TD इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन TC इक्वल टू TD, तो ये थीटा प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आई स्क्वायर के। ये याद रखिए कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई आया था मूविंग कॉइल में, बट यहाँ थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आया है। तो ये अगर डीसी है तो आई डीसी स्क्वायर, अगर एसी है तो आई आरएमएस स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप जो है ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर, या कह सकते हैं नॉन यूनिफार्म रिलेशनशिप है। इसी वजह से इसका जो स्केल होता है मूविंग आयरन का, देखिए स्केल नॉन यूनिफार्म है, पहले खाने पास पास हैं फिर खाने दूर दूर हो गए हैं, ऐसे स्केल को कहते हैं नॉन यूनिफार्म स्केल। ऐसा क्यों आता है, इस वजह से, क्योंकि ये जो थीटा है, थीटा ये जितना एंगल से आगे जाएगा ये प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के,
प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा ये इसके वर्ग के समानुपाती बढ़ेगा तो तेज हो जाएगा, बाद में थीटा ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए नॉन लीनियर या नॉन यूनिफार्म होता है। अगर स्प्रिंग कंट्रोल नहीं भी है, ग्रेविटी कंट्रोल है, तो टी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेट कंट्रोल मेथड है तो टी सी प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, तब भी जो थीटा होगा वो आई आई स्क्वायर के ही समानुपात, मतलब तब भी स्केल जो है नॉन लीनियर ही रहेगा, नॉन यूनिफार्म ही रहेगा, तो ये स्केल होता है नॉन यूनिफार्म, नॉन यूनिफार्म होता है मूविंग आयरन का। तो इसको एसी में भी यूज कर सकते हैं, डीसी में भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्शन का ही लगता है, चाहे आप करंट की दिशा कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे फोर्स हमेशा एक दिशा में लगता है, इसीलिए इस पे टार्क इसकी दिशा सेम रहती है, चाहे आप प्लस जोड़िए चाहे माइनस जोड़िए। दूसरा टाइप के होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उनको बोलते हैं रिपल्सन टाइप। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पहले कंस्ट्रक्शन बात कर लें, संरचना। तो इसमें एक भाग तो वैसे ही बनता है जैसे कि यहाँ वहाँ बनता था अट्रैक्शन टाइप में, कौन सा भाग, क्वाइल, फिक्स्ड क्वाइल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड क्वाइल, ये फिक्स रहती है, और वोल्टेज या करंट जिसको नाप रहे होते हैं इसी में अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, देखिए वोल्टेज को या करंट को, तो ये इसमें जाती है, करंट बहती है, ये फिक्स्ड क्वाइल में, इसी में करंट बहती है, देखिए ये इस क्वाइल में करंट बहती है फिक्स्ड क्वाइल में, इसका थोड़ा सेक्शन काट के दिखाया गया है, बॉबिन जैसा शेप का होता है, उसी के ऊपर कॉपर के तार लपेटे जाते हैं जो आपस में इंसुलेटेड होते हैं जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मोटा होता है मीटर में, वोल्टमीटर में थोड़ा पतला होता है, तो इसी के ये होता है फिक्स, ये मूव नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड क्वाइल, ठीक है, ये मीटर होगा या वोल्ट मीटर होगा, फिक्स्ड क्वाइल इसी तरह रहेगी। बीच में देखिए स्पिंडल है, स्पिंडल क्या होता है आप जानते हैं, ये ऊपर पिवोटेड होता है, यहाँ पिवोट रहता है, नीचे भी पिवोटेड होता है, यहाँ भी पिवोट रहता है फ्रिक्शन कम करने के लिए। स्पिंडल एल्युमिनियम की रॉड होती है पतली सी, देखिए यहाँ पे हम अभी स्प्रिंग कंट्रोल की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, क्या करेंगी ये, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड दिया गया है, कंट्रोलिंग टार्क देंगी, तो दोनों स्प्रिंग कंट्रोल मिलके स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क देंगी। यहाँ पे थोड़ा नया चीज एक ये है कि यहाँ दो आयरन के टुकड़े होते हैं, एक आयरन का टुकड़ा स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है, दूसरा आयरन का टुकड़ा थोड़ा सा दूर पे रहता है, वो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है, ये आयरन का टुकड़ा मूव नहीं करता है, फिक्स है, ये आयरन का टुकड़ा स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है, ये मूव करता है, और इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें भी होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की व्यवस्था की जाती है, एक रॉड इसमें जोड़ दी जाती है, एल्युमिनियम पिस्टन, एक एयर चैम्बर के अंदर वो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है और उससे डैम्पिंग मिलती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ होती है, जो कि दिख नहीं रही है बट होती है, ये आप समझते रहिए, अंडरस्टूड है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये दो आयरन पीस, एक स्पिंडल के साथ में है, एक उसके जस्ट बगल में है, ये वाला फिक्स है, ये स्पिंडल के साथ है तो ये मूव करेगा, ये मूव करता है, और मूव क्यों करता है, यहाँ रिपल्सन फोर्स पैदा होता है इनके बीच में, रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है किसके बीच में, ये दो आयरन है, इन दोनों आयरन के बीच में रिपल्सन होता है, तो ये फिक्स आयरन तो फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, तो जो आयरन ये स्पिंडल पे होता है वो मूव करता है, दूर जाता है, दूर ये रिपल्सन होता है तो ये दूर जाता है, दूर जाता है तो ये अपने साथ में क्या करता है, एक टार्क लगाता है इस स्पिंडल पे, इस दिशा में स्पिंडल इस दिशा में जाता है तो ये पॉइंटर इस दिशा में स्केल के ऊपर मूव करता है। तो कैसे रिपल्सन का टार्क लगता है इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले तो देख लीजिए बाहरी भाग क्या है, जैसे पहले हमने बताया था एक क्वाइल होती है जिसमें हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, तो वो उसी क्वाइल में अप्लाई होती है, इसकी ये दिशा होगी करंट की, तो क्या करेगा, यहाँ पे हालो है, खोखला सिलेंडर बेलनाकार, बॉबिन, बॉबिन पे एक इंसुलेटेड क्वाइल कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की या कॉपर की हो सकती है, जनरली कॉपर की ही होती है, एल्युमिनियम को कम प्रेफर करते हैं, ये खोखला होता है, इसी के अंदर से स्पिंडल देखिए गुजरा हुआ है, देखिए अभी जिसकी हम डायग्राम बना, देखिए ये वाला डायग्राम, स्पिंडल उसी के बीच से सेंटर से गुजरा हुआ है, क्वाइल के बीच से स्पिंडल गुजरा हुआ है, इधर पिवोटेड होगा फ्रिक्शन कम करने के लिए, उधर भी पिवोट होगा,
यहाँ भी कंट्रोल वेट लगाया गया है, लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ देखिए स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये पोर्टेबल बना देता है इंस्ट्रूमेंट को, आप किसी पोजीशन में रख देंगे काम करेगा, लेकिन ये कंट्रोल वेट लगा देंगे अगर तो ये केवल वर्टिकल काम करेगा। हमेशा ऐसे ही रखना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए पैनल में फिक्स करके इसको लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कंट्रोल वेट को प्रेफर नहीं करते हैं, हम ज़्यादा स्प्रिंग कंट्रोल को प्रेफर करते हैं। तो देखिए क्या है संरचना, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये है पॉइंटर, ये अटैच रहता है स्पिंडल के साथ में, जुड़ा रहता है, स्पिंडल घूमेगा इस दिशा में तो पॉइंटर भी घूमेगा उस दिशा में, और यहाँ होगा स्केल, ये पॉइंटर घूमेगा इस दिशा में तो स्केल पे मूव करेगा ये, तो ये इधर कब मूव करेगा, जब यहाँ प्रतिकर्षण होगा किसके बीच में। यहाँ देखिए दो आयरन की पीस होती हैं, एक आयरन ये होता है, इसको बोलते हैं फिक्स आयरन, फिक्स्ड आयरन, ये फिक्स है बाहर, देखिए कॉइल के यहाँ बगल में फिक्स है, ये गति नहीं करेगा, दिस इज नॉट मूवेबल, दिस इज नॉट इन मोशन। दूसरा होता है मूविंग आयरन, ये फिक्स्ड आयरन के बगल में, ये एकदम जस्ट बगल में, ये है मूविंग आयरन, मूविंग आयरन ये मूव करता है, और ये स्पिंडल के साथ देखिए अटैच है, और फिक्स्ड आयरन मूविंग आयरन के बीच में गैप है, देयर इज गैप, थोड़ा सा एयर गैप है क्योंकि ये मूव करेगा, गैप है यहाँ पे, गैप नहीं रहेगा तो ये मूव कैसे करेगा, ये मूव करेगा इस दिशा में, फिक्स्ड आयरन फिक्स रहेगा, मूविंग आयरन इस दिशा में मूव करेगा, क्यों, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, इस पर रिपल्सन फोर्स लगता है मूविंग आयरन पे, तो ये रिपल होता है, इधर प्रतिकर्षित होता है इस दिशा में जाता है, तो इसके बीच में अगर दूरी डी है, फोर्स एफ लगेगा तो एक टार्क डेवलप होगा, यही होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क एफ इनटू डी, इसी टार्क की वजह से ये पूरा सिस्टम घूमेगा, और इसी वजह से ये इधर से जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क यही है, यही वजह से डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, यही रिपल्सन फोर्स की वजह से। तो ये कितना डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और रिपल्सन क्यों होता है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसके और भी इमेज देख लीजिए, ये इसके अंदर क्या संरचना ये है, ये बाहर देखिए क्वाइल है, फिक्स्ड क्वाइल, इसकी बात हम कर रहे थे, इसमें स्पिंडल है मूव करता है, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड लगाया गया है कंट्रोलिंग टार्क के लिए, पॉइंटर है, यहीं स्केल होगा, उसी स्केल के ऊपर चिन्ह बने रहेंगे, उसी के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा। जिन दो आयरन की बात कर रहे थे, एक आयरन देखिए स्पिंडल के साथ जुड़ा है, ये इससे थोड़ी दूर पे एक फिक्स्ड आयरन है, फिक्स्ड आयरन है, और ये क्या है, मूविंग आयरन है, ये मूविंग आयरन कब मूव करता है, जब इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो कैसे होगा प्रतिकर्षण, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए एक और इमेज, ये हेयर स्प्रिंग क्यों लगा है, कंट्रोलिंग टार्क, पॉइंटर क्यों है, वैल्यू इंडिकेट करेगा, स्केल यहाँ बना होगा, मूविंग आयरन देखिए ये स्पिंडल के साथ जुड़ा है, फिक्स्ड आयरन देख लीजिए ये थोड़ा उससे दूर है, बाहर रखा है, फिक्स्ड है, मीटर में जो सप्लाई देंगे वो जाएगा कहाँ पे, फिक्स्ड क्वाइल में जाएगा, यहाँ सप्लाई जाएगी इस क्वाइल में, इसी में करंट बहाएंगे हम। देखिए वर्किंग कैसे होगी, एकदम वैसे ही सिंपल है, शुरुआत वैसे ही होती है जैसे अट्रैक्शन टाइप की, क्या कैसे होती है, यहाँ पे सप्लाई दिया प्लस माइनस, इस क्वाइल में करंट जाएगी, करंट की दिशा देखिए, अगर इधर को है तो इस सिरे पे नॉर्थ बन जाएगा पोल, उस सिरे पे साउथ, ये अगर मान लीजिए सप्लाई दिया यहाँ पे ऐसे, और करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है इस दिशा में, अगर ये करंट की दिशा है तो इस सिरे पे नॉर्थ बन जाएगा और उधर के सिरे पे साउथ। अब नॉर्थ बनेगा तो ये जो मूविंग क्वाइल है उस पर भी नॉर्थ बनेगा, और साउथ जो फिक्स्ड आयरन है उस पर भी नॉर्थ बनेगा, मूविंग आयरन पे भी नॉर्थ है और फिक्स्ड आयरन पे भी नॉर्थ है, दोनों पे नॉर्थ नॉर्थ बनेगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गए क्योंकि इस सिरे पे हैं दोनों, और उधर सिरे पे साउथ बन रहा है तो यहाँ भी साउथ डेवलप होगा, यहाँ भी साउथ डेवलप होगा। तो आपको पता है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लाइक पोल रिपेल,
ईच अदर। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कौन दोनों पोल, एक फिक्स्ड आयरन वाले पोल और दूसरे मूविंग आयरन वाले पोल प्रतिकर्षित करेंगे तो कौन दूर जाएगा, जो स्थिर है वो तो दूर जा नहीं सकता है, तो फिक्स है, तो मूविंग आयरन वाला क्या करेगा, दूर जाएगा, इससे दूर दूर जाने का बल लगेगा F, तो F फोर्स लगेगा दूर जाने के लिए। और इसके इसके बीच में अगर दूरी d है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल से इसकी दूरी, ये स्पिंडल के सेंटर से इसकी दूरी अगर d है, यहाँ से d दूरी पे है ये फोर्स जो लग रहा है, यहाँ स्पिंडल से अगर इसकी अच्छे से दूरी d है, वहाँ से नहीं, यहाँ से ये दूरी अगर d है, ये दूरी d है, स्पिंडल ये है, ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे इस दिशा में, दूरी इसकी d है, तो टार्क कितना डेवलप होगा, ये डेवलप होगा F इंटू डी। इसी टार्क की वजह से ये क्या करेगा, मूविंग आयरन दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ये इस दिशा में पूरा रोटेट करेगा, स्पिंडल इस दिशा में रोटेट करेगा तो पॉइंटर भी इस दिशा में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज सभी जाएंगे। और यहाँ होगा स्केल, स्केल पे बने होंगे निशान, डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है, स्केल के ऊपर पॉइंटर ये जाएगा आगे, और जब ये आगे जाएगा तो ये कंट्रोलिंग टार्क के, कंट्रोलिंग वेट क्या करेगा, कंट्रोलिंग टार्क देगा, ये प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, और अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के, कोई भी हो सकता है। तो ये इस वजह से इस पे टार्क लगेगा इस दिशा में, तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा इधर की तरफ, तो कंट्रोलिंग टार्क क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों टार्क जो है, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर हो जाएंगे और वहीं पे पॉइंटर रुक जाएगा, और वो वैल्यू वहाँ रीड कर लेंगे, और जो डैम्पिंग होगी आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, इसमें मैंने बताया कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की व्यवस्था करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है उसकी व्यवस्था करेंगे, और वो क्या करेगा, डैम्पिंग को ख़त्म कर देगा, पॉइंटर रुक जाएगा और वो वैल्यू हम रीड कर लेंगे। इस तरह से इसमें जो फोर्स लगता है, टार्क लगता है, टार्क कितना लगता है, F इंटू डी, ये किसकी वजह से लगता है, इन दोनों के रिपल्सन, ये फिक्स्ड आयरन है, ये मूविंग आयरन है, दोनों में रिपल्सन होता है, इसीलिए इसका नाम है रिपल्सन टाइप। तो ये रिपल्सन फोर्स कितना होता है वो अभी निकाल लेंगे, और डी कितना होता है, वो डी जो दूरी होती है, तो इसलिए टार्क कितना लगता है। तो ये कितना टार्क लगता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे इस पे फोर्स लगेगा F, तो फोर्स कितना लगेगा, वो पोल स्ट्रेंथ के समानुपाती होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। M1 क्या है, M1 है मूविंग आयरन पे जो पोल पैदा होगा, M2 क्या है, फिक्स्ड आयरन पे जो पोल स्ट्रेंथ पैदा होगी, और M1 किसके समानुपाती होगा, H के, M2 किसके समानुपाती होगा, वो भी H के समानुपाती होगा, H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, H किसके समानुपाती होगा, I के, I करंट के, क्यों, क्योंकि H होता है NI अपान L, N कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, सो H इज प्रोपोर्शनल टू I। तो कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, जैसे पिछले बार हमने निकाला था, फोर्स प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो कितना है, F इंटू डी, डी कांस्टेंट है, ये दूरी है इसके इसके बीच में, तो टाऊ जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, और अगर एसी है तो आई इंस्टेंटेनियस जो करंट होगी उसके वर्ग के समानुपाती होगा इंस्टेंटेनियस टार्क, लेकिन पॉइंटर इंस्टेंटेनियस स्टार के लिए रिस्पांस तो नहीं देगा, पॉइंटर किसके लिए रिस्पांस देगा, एवरेज स्टार के लिए, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो ये जो टार्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई डीसी स्क्वायर, आई डी, अगर डीसी है तो आई स्क्वायर के, और अगर एसी है एफ आर डीसी, और अगर एसी है तो आई आर एम एस स्क्वायर के फॉर ए सी।
तो ये डिफ्लेक्टिंग टायर किसी के समानुपाती होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने निकाला था वो इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कंट्रोलिंग टायर किसके समानुपाती होगा, कंट्रोलिंग टायर प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, अगर स्प्रिंग कंट्रोल है तो। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आई स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि टी डी इक्वल टू टी सी, जहाँ होगा वहीं ये पॉइंटर रुकेगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क इधर को लग रहा है, कंट्रोलिंग टार्क उल्टा लग रहा है, जहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पर रुक जाएगा, थीटा इक्वल प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्केल कैसा आएगा, स्केल आएगा नॉन यूनिफार्म नॉन लीनियर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले, ये है नॉन यूनिफार्म स्केल, नॉन यूनिफार्म स्केल। क्यों, क्योंकि थीटा जो आया है, थीटा क्या है, ये विक्षेप एंगल, ये प्रोपोर्शनल टू अगर आई आता तो ये होता यूनिफार्म या लीनियर, बट ऐसा आया नहीं है, क्या आया है, आई स्क्वायर के। अगर कंट्रोल जो है हम अगर ग्रेविटी कंट्रोल या वेट कंट्रोल लगाएंगे तो भी स्केल नॉन यूनिफार्म ही आएगा, नॉन यूनिफार्म स्केल यहाँ पे आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। अब यहाँ अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वही देखिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मान लीजिए कि उल्टा जोड़ दिया हमने, माइनस प्लस कर दिया, तो ये पोल जो है चेंज हो जाएंगे, इधर साउथ हो जाएगा उस साइड में नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगी, इधर बन जाएंगे साउथ, दोनों पे बनेंगे लेकिन साउथ साउथ दोनों पे, और नॉर्थ बनेंगे दोनों पे उधर, नॉर्थ नॉर्थ उधर नॉर्थ बन गया, तो रिपल्सन होगा अभी भी, तो दिशा क्या होगी फोर्स की, वही रहेगी सेम, फोर्स की दिशा सेम है और तार की दिशा भी सेम है, इस पर डिफ्लेक्टिंग तार इधर को ही लगेगा, चाहे आप धन जोड़िए चाहे ऋण जोड़िए, क्योंकि फोर्स लगेगा हमेशा रिपल्सन का। क्यों, क्योंकि पोल चेंज होंगे, दोनों के चेंज होंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से पोल चेंज हो जाएंगे दोनों के, तार की दिशा सेम रहती है, इसीलिए इस पर धन ऋण कोई का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इस पर डीसी की जगह एसी दे देंगे तो भी इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, इस पर टार्क लगता है एक दिशा में, यही कारण है कि एसी डीसी दोनों पे ये काम करता है। तो ये हमने बता दिया कि ये इसका स्केल कैसा होगा, नॉन यूनिफार्म होगा, क्यों होगा वो आपको पता चल गया है, क्योंकि जो इसमें थीटा होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता है, इसमें थीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आता है आई स्क्वायर के, और ये नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन यूनिफार्म रिलेशन है। अब मूविंग आयरन के भी कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं, देखिए मूविंग आयरन ये है मूविंग क्वाइल ये है, ये इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, मूविंग क्वाइल दूसरा मूविंग आयरन, इनके एडवांटेज देखिए, लाभ, पहला लाभ है एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, ये अभी हम बता चुके हैं, दूसरा लाभ है एडवांटेज वी कैन यूज इन एसी डीसी बोथ, दूसरा एडवांटेज इसका डिजाइन सिंपल होता है, देख लीजिए डिजाइन उसकी तुलना में सिंपल है मूविंग कॉइल की तुलना में, उसमें स्प्रिंग लगानी पड़ती है, उसकी डिजाइन होती है एल्युमिनियम फार्मर मूविंग कॉइल, उसमें सप्लाई देनी पड़ती है कॉइल में स्प्रिंग की मदद से, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, तो जाहिर है कि ये थोड़ा सा एक एडवांटेज और जुड़ जाएगा। एडवांटेज नंबर तीन, ये चीप होगा, सस्ता चीपर, इसका ऑपरेटिंग टार्क जो है अच्छा होता है, ओवरलोड कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है थोड़ा सा, क्यों, इसकी ओवरलोड कैपेसिटी अच्छी इसलिए होती है कि इसमें स्प्रिंग के माध्यम से करंट नहीं जाती है, मूविंग कॉइल में स्प्रिंग के माध्यम से करंट जाती है, इसलिए वहां थोड़ा ओवरलोडिंग कैपेसिटी कम अच्छी होती है, इसकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी थोड़ा सा बेहतर होती है, सिंपल है इसलिए चीप भी है, ये इसकी बात हम कर चुके हैं। लो फ्रिक्वेंसी के लिए बेहतर होता है, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होती है, ये एडवांटेज हैं। दूसरा डिसएडवांटेज देखिए इनके, नॉन यूनिफार्म स्केल जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसका देखिए यूनिफार्म है, इसका क्या है, नॉन यूनिफार्म है, नॉन यूनिफार्म स्केल को थोड़ा कम पसंद करते हैं, पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, पावर लॉस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फील्ड का रिवर्सल होता है बार बार, एसी देते हैं तो फील्ड भी बार बार चेंज होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ईडी करंट लॉस भी होता है इसमें, तो लॉसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्वेंसी एरर आती है इसमें,
सीरियस एरर आती है, फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होगा, क्वाइल का इम्पिडेंस चेंज होता है और उससे करंट चेंज हो जाती है, करंट होती है बी अपान जेड। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इम्पिडेंस चेंज हो जाता है और उससे करंट, करंट चेंज होने से टार्क जो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की चेंज होने से एरर आती है इसमें इंस्ट्रूमेंट में। टेम्परेचर चेंज होने से इसमें स्प्रिंग में स्टिफनेस कम हो जाती है, ये एरर आती है। एक और एरर इसमें आती है, वो होती है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है हम बता चुके हैं कि अगर कोई तार आए जिसमें करंट बहुत ज़्यादा हो अगल बगल से गुजरे तो उसका फील्ड जो है इसके फील्ड को प्रभावित करता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है। या कोई चुंबक लाया जाए बाहर से, बाहर से कोई चुंबक लाएं अगल बगल, बाहरी चुंबक, ये मान लीजिए बाहर से चुंबक लाएं, तो बाहर से कोई चुंबक लाएं बहुत शक्तिशाली चुंबक अगल बगल, तो इसके फील्ड को वो प्रभावित कर देगा, तो उसका जो टार्क होगा वो चेंज हो जाएगा, एरर आएगी। तो इस पे ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो फील्ड बना हुआ है एयर में बना है, एयर में, और एयर में जो फील्ड बनता है वो कमज़ोर होता है। तो ये मूविंग कॉइल की तुलना में इसका जो फील्ड है कमज़ोर है, वीक वीक, दिस फील्ड इज वीकर। और कमज़ोर को प्रभावित करना आसान होता है, इसीलिए इस पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर लाएंगे तो वो प्रभावित करेगा, ज़्यादा ज़्यादा एरर पैदा होगी। या कोई तार लाएंगे अगल बगल जिसमें हैवी करंट बहेगी तो वो क्या करेगा, उस फील्ड पैदा करेगा, उसका फील्ड इसके फील्ड को प्रभावित करेगा और उससे एरर आएगी इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें एरर ज़्यादा आती है ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली एरर इसमें ज़्यादा आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।